दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर का जोडियक साइन आपके साथ मैच करता है या नहीं करता है, आपकी पार्टनरशिप लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, आइए आज की वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों अगर आपकी राशि एरीज या स्कॉर्पियो है, आपका जोडियक साइन यानी कि मेष या वृषक राशि है आपकी, तो आपकी राशि के स्वामी जो है वो मार्स यानी कि मंगल देव है, और मंगलदेव देव राशि के स्वामी माने जाते हैं और इनकी देव राशियों से ही सबसे ज़्यादा पटती है। और देव राशियां होती हैं लियो, कैंसर, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इस मिस किसी भी राशि से है या फिर एरीज या स्कॉर्पियो है तो उनसे आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों नंबर दो पे चेक करते हैं, टेरस या लिब्रा यानी कि वृष या तुला राशि के अगर आप स्वामी हैं तो आपकी जो राशि है इसके स्वामी जो माने जाते हैं, लॉर्ड माने जाते हैं, वो वीनस यानी कि शुक्र माने जाते हैं और शुक्र दानव राशि के माने जाते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर जेमिनी है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है या एक्वेरियस है तो यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये सब दानव राशि के प्लैनेट्स होंगे। यहाँ आप एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं जेमिनी एंड वर्गो की यानी कि मिथुन और कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी है वो मरकरी यानी कि बुध देव होंगे, और बुध देव जो होते होंगे इनके साथ जो है दानव राशि के प्लैनेट बहुत अच्छे चलते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर टेरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस अगर ये राशि के आपके पार्टनर्स होंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर है बिजनेस पार्टनर है, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कैंसर राशि की यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव जो कि देव राशि के माने जाते होंगे, अब यहाँ पर इनके जो बनती है सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है वो लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, इनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इस किसी राशि के होंगे, जोडियक साइन ये वाला है, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि भी देव राशि के माने जाते हैं, तो इनकी जो ट्यूनिंग सबसे अच्छी बैठती है जिन जोडियक साइन के साथ बैठती है वो कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस हैंगे। ये सब देव राशि के प्लैनेट हैंगे, इनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत दूर तक जाते हैंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सेजिटेरियस एंड पाइसिस यानी कि धनु और मीन राशि। ये राशि जो है इन राशि के जो स्वामी है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव देव गुरु हैं, तो ये देव राशि के हैं और इनके साथ जो ट्यूनिंग बैठती है वो बैठती है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो, ये सब देव राशि के हैं और इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है, मैच करते हैं, इनका नेचर मैच करता है और इनकी पार्टनरशिप चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो बहुत दूर तक जाती है। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। ये मकर यानी और कुंभ राशि, ये राशि के स्वामी सैटर्न यानी कि शनि देव हैं जो कि दानव राशि के होंगे, तो इनकी जो ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया बैठती है वो बैठती है टेरस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, इन राशियों के साथ। इन राशियों के अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती हैगी, आपका लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ जाती है क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों ये सारा का सारा बेस इस तरीके के देव राशि के प्लैनेट्स या जोडियक साइंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है, और दानव राशि के प्लैनेट जो है वो दानव राशि के प्लैनेट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। अगर देव राशि के प्लैनेट और दानव राशि के प्लैनेट को कंबाइन किया जाता है यानी कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर अगेंस्ट होते हैं, कोई एक देव है और एक दानव राशि का, तो दोस्तों यहाँ खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी राशि के स्वामी देव के हैं या दानव के हैं, कौन सी राशियाँ यहाँ पे मैच करती हैंगी। कुछ राशियाँ जो मैच भी करती हैंगी, जैसे कि मून को लेते हैं तो यहाँ पे कैंसर जो है चंद्रमा मून हैगा, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेरस या लिब्रा शुक्र है तो वो भी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैच कर जाती है, ये कुछ हद तक सही चलती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर जो होती है अगर अपोजिट होती है, जैसे सन है, सूर्य है, रोशनी का प्रतीक, और सैटर्न हैंगे कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस,
ये अंधेरे के प्रतीक हैं, ये क्लैशेस बहुत ज़्यादा करते हैंगे। तो दोस्तों देव और दानव राशि जहाँ पे भी टकराएगी वहाँ पर दिक्कत आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स होंगे चाहे वो लाइफ पार्टनर्स होंगे, उनकी ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। तो यहाँ पर आप अगर शादी करने जा रहे हैं या लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं या बिजनेस पार्टनर चुनने जा रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चेक करें कि आपका जो पार्टनर है उसका ज़ोडियक साइन क्या बैठता है। दोस्तों इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मनु शांडिल्य।